गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आई होप डेट ऑल द स्टूडेंट विल वेरी वेल। आई विल टीच एनवायरमेंट स्टडी। एनवायरमेंट स्टडी, ओपन योर बुक एंड टेक ए पेंसिल या पेन एट पेज नंबर 1। द फर्स्ट चैप्टर नेम इज चाइल्डहुड मेमरीज। व्हाट इज childhood? Childhood is a age या stage of our life. Childhood is a separate space from birth to puberty. What is memories? Memories are spent moments. Memories are plural number. I hope that we all have childhood memories. हम सभी बचपन की कुछ न कुछ यादें जरूर रखते हैं या जरूर अपने बचपन की जरूर कुछ न कुछ बचपन की यादें जरूर होती हैं। Childhood means बचपन, memories means यादें, यानी कि बचपन की यादें। Now let's study this chapter. In this chapter, Sunita, Ankur and Anita meet in summer vacation in mother maternal's home. Sunita, Anita और Ankur उनके मामा जी के घर पर गर्मी की छुट्टियों में मिलते हैं, अपने ननियाल में गर्मी की छुट्टियों में मिलते हैं। Anita asked नानी जी टू अबाउट अनिताज मदर या हर मदर, व्हाट डिड माय मदर डू इन हर चाइल्डहुड, कि मेरी माता बचपन में यहाँ पर क्या क्या करती थी। लेट्स स्टडी दिस चैप्टर। सुनीता वेंट टू हर मैटरनल अंकल्स होम टू स्पेंड हर समर वेकेजन। सुनीता वेंट टू हर मैटरनल अंकल्स होम टू स्पेंड हर समर वेकेजन। सुनीता उसके मामा जी के घर पे गर्मियों की छुट्टियां बिताने जाती हैं। मैटरनल अंकल्स मदर्स ब्रदर, मैटरनल अंकल्स। सुनीता उसके मामा जी के घर पे गर्मियों की छुट्टियां बिताने जाती हैं। सुनीता इज अ प्रॉपर नाउन, हर इज अ प्रोनाउन, समर इज अ सीजन, मामा जी सन अंकुर एंड सुनीता आर एज मेट्स। मामा जी का लड़का अंकुर और एंड सुनीता दोनों हम उम्र हैं, दोनों बराबर उम्र के हैं। सुनीता आज मैटरनल आंट लिव्स इन अ नियर बाय विलेज। सुनीता की मौसी मदर्स सिस्टर मैटरनल आंट पास के गांव में, नियर बाय विलेज पास के गांव में ही रहती हैं। हर एल्डर डॉटर अनिता हैज आल्सो कम टू हर नानी जी नानीज हाउस टू स्पेंड हर हॉलीडे। उसकी बड़ी बेटी या बड़ी पुत्री अनिता भी नानी जी के घर पे उसकी छुट्टियां बिताने आती है। ऑल द चिल्ड्रन आर वेरी हैप्पी, सभी बच्चे बहुत ही हैप्पी थे, खुश थे। नानी जी लविंगली ऑफर्स देम मैंगोज एवरी डे, नानी जी उन्हें बड़े प्रेम से प्रत्येक दिन मैंगोज ऑफर करती थी, देती थी। मदर्स चाइल्डहुड, मम्मी का या माँ का बचपन। नानी जी सेज अनिता, अनिता टुडे आई विल मेक पिकल एंड टीच यू आल्सो हाउ टू मेक इट। अनिता आज मैं अचार बनाऊंगी एंड टीच यू, और तुम्हें भी सिखाऊंगी कि इसे कैसे बनाते हैं। हाउ टू मेक इट, इसे कैसे बनाते हैं। आई हैव टॉट योर मदर आल्सो, तुम्हारी
तुम्हारी माता को भी मैंने ही सिखाया था। यस अनिता सेड, यस नानी जी, मॉम मेक्स वेरी गुड पिकल। हाँ नानी जी, माँ भी बहुत अच्छा अचार बनाती है। वेरी गुड पिकल, बहुत ही अच्छा अचार बनाती है। माई नेबरहुड आंटी आल्सो इन्वाइट्स मदर टू मेक पिकल। मेरी पड़ोस की आंटी भी मेरी माँ को ही अचार बनाने के लिए बुलाती है। इन्वाइट्स निमंत्रण करना या बुलाना। नानी जी व्हाट एल्स हैव यू टॉट मा। नानी जी आपने मेरी माँ को और क्या क्या सिखाया था। टॉट, टॉट इज थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म। टीच इज फर्स्ट फॉर्म, टीच सिखाना। नानी जी से बेटा व्हेन योर मदर वाज अ चाइल्ड सी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग एंड स्टडी। बेटा जब तुम्हारी माँ एक बच्ची थी, अ चाइल्ड बच्ची थी, सी वाज वेरी फॉन्ड, वो बहुत, उनके बहुत सारे शौक थे, प्लेइंग एंड स्टडी, उन्हें पढ़ना और खेलना बहुत अच्छा लगता था। फॉन्ड शौक। देन आई डिड नॉट आस्क हर टू वर्क मच। तब मैं उन्हें ज़्यादा काम के बारे में नहीं कहती थी। बट एज सी ग्रेप आई स्टार्टेड सीकिंग हेल्प फ्रॉम योर मॉम। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई, वयस्क हुई, मैंने उन्हें घर के कामों में शामिल करना शुरू कर दिया। बट एज सी ग्रेअप, जैसे जैसे वो बड़ी हुई, आई स्टार्टेड सीकिंग हेल्प फ्रॉम योर माँ, मौसी एंड मामा फॉर हाउस होल्ड वर्क। घरेलू कार्यों में उन्हें शामिल करना मैंने शुरू कर दिया। बाय हेल्पिंग मी दे लर्नड द वर्क। लर्नड इज अ सेकेंड फॉर्म, लर्न इज फर्स्ट फॉर्म। लर्न यानी सीखना, लर्न मीन्स सीखना। योर मदर्स, तुम्हारी माता काम करते करते, हमारी मेरी सहायता करते करते कब काम सीख गई पता ही नहीं चला, मतलब सहायता करते करते वो सब लोग काम करना सीख गए। अनिता से नानी जी, नानी जी माँ ऑलवेज आस्क्स मी टू स्टडी। नानी जी माँ ऑलवेज आस्क मी टू स्टडी। नानी जी मेरी माँ मुझे हमेशा पढ़ने के लिए कहती, ऑलवेज हमेशा पढ़ने के लिए कहती है। डिड यू आल्सो डू द सेम, क्या आप भी उनके साथ ऐसा ही करते थे। नानी जी यस बेटा, हाँ बेटा। बट एट दैट टाइम वी डिड नॉट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडीज सो मच। लेकिन उस समय, डेट टाइम उस समय, वी डिड नॉट रियलाइज, हम नहीं समझते थे इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी सो मच। हाँ बेटा उस समय, लेकिन उस समय हम पढ़ाई के महत्व को इतना ज़्यादा नहीं समझते थे। दो आई यूज्ड टू आस्क ऑल माई चिल्ड्रन टू स्टडी, फिर भी मैं सभी बच्चों को पढ़ने के लिए कहती थी। अनिता से नानी जी, नानी जी अप टू विच स्टैंडर्ड्स हैव यू एंड मदर स्टडी। नानी जी आप और मेरी माता कहाँ तक पढ़े हैं, या आप लोगों, आप दोनों ने कहाँ तक पढ़ाई की है। स्टैंडर्ड्स मानक या स्तर। नानी जी बेटा आई हैव स्टडीड अप टू फिफ्थ क्लास, मैंने फिफ्थ क्लास तक अध्ययन किया या पढ़ाई की है। इन दोज डेज वी हैड टू गो टू अनदर विलेज टू स्टडी फर्दर।
उन दिनों या उस समय उन दिनों हमें दूसरे गांव में पढ़ने के लिए जाना पड़ता था। देन देयर वाज हाउस होल्ड वर्क एंड वर्क इन द फील्ड्स वाज आल्सो टू बी डन। पढ़ने के बाद हमें घर का काम, घरेलू कार्य हाउस होल्ड वर्क एंड वर्क इन द फील्ड, खेतों का काम भी करना पड़ता था। बट योर मदर वाज गुड एट स्टडी, लेकिन तुम्हारी माता पढ़ने में बहुत ही अच्छी थी, गुड अच्छी थी। अलॉन्ग विद स्टडीज सी कुड मैनेज मार्केट वर्क आल्सो। अलॉन्ग विद स्टडीज सी कुड मैनेज मार्केट वर्क आल्सो। लेकिन फिर भी तुम्हारी माता पढ़ने के साथ साथ बाजार का काम भी कर लेती थी। मीनवाइल सुनीता ब्रोड द फोटो एल्बम एंड एवरीवन बिगिन टू वॉच द। इतने में ही सुनीता एक फोटो का एल्बम लाई और सभी ने उसको देखना शुरू कर दिया, फोटो एल्बम को देखना शुरू कर दिया। ब्रोड इज अ सेकंड फॉर्म, ब्रिंग इज फर्स्ट फॉर्म। In this picture, children watching photo album with Nanaji and Naniji. Nanaji, Naniji, Anita, Sunita and Ankur. Sunita says, Naniji, Naniji, my mother is wearing a frock with floor print. Naniji, meri maa ne ek phoolon wali ड्रेस पहन रखी है, फ्रॉक पहन रखी है। इट इज़ सो ब्यूटिफुल, ये बहुत ही सुंदर है। ब्यूटिफुल इज नॉट अगली, ब्यूटिफुल इज सो डेट्स लुकिंग वाइज वेरी गुड, ये बहुत ही सुंदर है। यू आर आल्सो वेयरिंग साड़ी विथ ग्लिटरिंग स्टार। आपने भी सितारों वाली साड़ी पहन रखी है। When did you get this photo clicked? आपने ये फोटो कब लिया? Tomorrow, when father and Mosaji come, her we will show the album to them also. Tomorrow, आने वाले कल को tomorrow कहते हैं। Tomorrow, आने वाले कल को जब भी पिताजी और मौसाजी यहाँ आएंगे, वी विल शो द एल्बम। शो यानी दिखाना, मैं उन्हें ये एल्बम जरूर दिखाऊंगी, उनको भी मैं ये एल्बम फोटो एल्बम दिखाऊंगी। नानी जी, दिस फोटो वाज क्लिक्ड ड्यूरिंग योर मामाज मैरिज। ये फोटो तुम्हारे मामा जी की शादी में क्लिक किया था या ये फोटो लिया था, मैरिज शादी। इन दिस वे एवरीवन वाज रिफ्रेशिंग ऑल मेमोरीज वाचिंग द फोटो एल्बम। इस तरह सभी फोटो एल्बम को देखकर अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे, रिफ्रेशिंग ताज़ा ऑल मेमोरीज पुरानी यादें।